अगर उनकी कुर्बानियों को हमने जाया, ये कारगिल में भी ऐसे ही हुआ, कारगिल में ऐसे किया हमने। ये लीडरशिप की जलालत होती है, इफ आई यूज द करेक्ट वर्ड। 71 में भी हमारे पास कमीनी और घटिया लीडरशिप थी, उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता, ना भुट्टो को, ना मुजीब को, ना याह्या खान को, यू कांट डिफेंड इट। और कारगिल में नवाज शरीफ जैसा कमबख्त, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बिल आलमीन, यू कांट डिफेंड हिम। उसने एयरफोर्स को हुक्म दे दिया, कैन यू बिलीव इट, नवाज शरीफ ने एयरफोर्स को हुक्म दिया कि तुम इन्वॉल्व नहीं होगे कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में। इंडियन एयरफोर्स ने मार मार के हमारे सैकड़ों जवान शहीद कर दिए, पीएफ को इजाजत नहीं थी कि इंडियन एयरफोर्स को एंगेज करे, कैन यू बिलीव इट। इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है पाकिस्तान में, कोई जिक्र नहीं करता है। नवाज, मैं हमेशा कहता हूं नवाज शरीफ पे मुकदमे करप्शन के नहीं, गद्दारी के बनते हैं, और आज भी यही हो रहा है, आज भी यही। कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, वो पूरा कश्मीर ही उखाड़ के दे देंगे, वो हिंदू, सारे हिंदू होंगे वहां पे, कोई मुसलमान नहीं बसेगा, अगले 5 साल और दे दें फलस्तीन बन जाएगा वहां। ये तमाशा देख रहे हैं बैठ के यहां से, किस बात का तमाशा देख रहे हो तुम, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, वो फलस्तीन बन जाए उसके बाद जाके, उसके बाद तुम कहोगे हम कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े, कश्मीरी होगा कहां। जम्मू की डेमोग्राफी चेंज की 47 में उन्होंने, डोंट यू नो दैट, ऐसे किया, 6 लाख कश्मीरी उन्होंने शहीद करके या माइग्रेट करवाया या शहीद किया जम्मू में। जम्मू वो तो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, हिंदू एरिया, हिंदू मेजोरिटी कैसे बन गया, उन्होंने 2 महीने के अंदर अंदर डेमोग्राफी चेंज। और अभी भी जिस तरह डोमिसाइल इशू कर रहे हैं, जिस यही मैं बता रहा हूं, जरा सा मोदी अगर स्टेबल हो गया, उसको 1 महीना, अगला 1 साल नहीं लगेगा, कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, 50 लाख आदमी हिंदू। इस वक्त जो कुछ इंडिया में हो रहा है, आपको लगता है